डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। बच्चों, आज हम बात करेंगे द डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ को हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इट इज द सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, पांच एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं, इट इज आवर सिक्स्थ एप्लीकेशन। देखिए कैसे करना है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, कूलम्स लॉ क्या करना है। कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस r हो तो F होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 r2। इट इज द कूलम्स लॉ, ठीक है, विच हैव टू बी डिटरमाइंड। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, इसे प्रूफ इसको लेकर आना है हमने। ठीक है, फिर गॉस थ्योरम क्या कहता है, Q/ε0। ठीक है, इसको इनक्लोज करोगे तो Q1/ε0 या इसको इनक्लोज करोगे तो Q2/ε0, ऐसा देखना है। ठीक है, और इसकी मदद से हम जो भी यहाँ पर हम जो भी यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे लास्ट में हमको प्रूफ करके दिखाना है। दिस कूलम्स लॉ हमें ये लेके आना है, इस फॉर्मूले को हमने लाना है या फिर टू प्रूव ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ओम तो देखो क्या करना है। टू प्रूव कूलम्स लॉ, कंसीडर, जल्दी से लैंग्वेज लिखते रहेंगे, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्ज, या टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है हमारे पास Q1 और दूसरा है हमारे पास कुछ ऐसा Q2। ठीक, मान लेते हैं Q1 हमारा पॉइंट O पर रखा है और Q2 हमारा पॉइंट P पर रखा है। देखिए Q2 पॉइंट P पर है और इन दोनों के बीच में फिर लिखना द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखा आपने, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट एट पॉइंट O एंड P रिस्पेक्टिवली, दोनों पॉइंट O एंड P पर हैं। ठीक है, हमें डिराइव क्या करना है, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है। ठीक है, बट फोर्स के लिए वी नो दैट, देखिए वी नो दैट ऐसा कुछ पढ़ा आपने, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, बट अगर हम यहाँ पर तो हमें फोर्स देखना है, तो फोर्स के लिए हमने इसको यहाँ भेज दिया तो Q0 को हमने Q1 कह दो या Q2, कोई इन दोनों में से कोई एक चार्ज हो गया। ठीक है, एक को आपने क्या करना है, सोर्स मानना है, एक दूसरे को आपने टेस्ट मान के चलना है। अब Q1 को सोर्स मान लेते हैं क्योंकि ऐसा करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स का देखा जाता है तो Q1 बीच में रहेगा तो बढ़िया लगेगा ना, Q2 रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खैर रख सकते हो आप उसको भी। तो आप एक काम कीजिए, नाउ Q1 की वजह से इस पॉइंट O पर जो चार्ज Q1 है, इस Q1 चार्ज की वजह से, देखो यहाँ पे देख लेते हैं Q1 है ये Q2 है, इस O पर जो चार्ज Q1 है इसके कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। फोर्स तो बाद में निकाल लेंगे, कूलम्स लॉ के लिए फोर्स हम बाद में निकाल लेंगे, बट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस Q1 चार्ज। इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो भाई गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बहुत देर से नहीं करते आ रहे, दो तीन लेक्चर हो गए हमें करते करते। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से पास होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। फिर वही काम, थोड़ी देर के आप Q2 को भूल भी जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के चारों ओर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट देखना है, फिर आप d5 देखेंगे, d5 के बाद आप फाई निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, लास्ट में गॉस थ्योरम लगा लेंगे, आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, E आ जाएगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू टू ई से आपके निकाल देंगे फोर्स निकाल देंगे। तो चलो टेंशन मत लो, अभी नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं करते हैं। तो लिखेंगे जल्दी से, द फोर्स या इफ इफ वेक्टर ई या कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है Q1 की वजह से पॉइंट पी पर। आगे बात समझ में, सच दैट देखो F इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q0 ऐसा कुछ पढ़ा था,
है ना, याद कीजिए, अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, Q1 का, तो इसका मतलब Q1 हमारा क्या है, एज अ सोर्स चार्ज माना जाता है। तो इस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हमारे पास कोई r डिस्टेंस पर कोई चार्ज आ जाए, Q0 आ जाए, तो उस पर लगने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला फोर्स इसके क्यू लगाएगा Q0 पर, तो यहाँ पर Q1 लगाएगा Q2 पर, ठीक है। तो Q0 की जगह पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर Q2 ले लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या करना है, E=F/Q0। ओके, इसे यहाँ से आपने एफ की वैल्यू निकाल देनी है, F=F=2, देखो Q2 यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा, Q2 × E, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। नाउ अब जरा इस E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। E की वैल्यू फाइंड करेंगे इतना, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ड्रॉ अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। रेडियस वही लेंगे जो उसके डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट पी और ओ के बीच जो डिस्टेंस है वही रेडियस लेंगे, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट पी से पास होते हुए हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, दैट इज दिस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस का तो कोई टेंशन नहीं है, आपको सब कुछ हो जाना है। देखिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट रेड हो गया आपकी, दैट्स ओके। नाउ कंसीडर, देखिए कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, बहुत बड़ा बना दिया, नहीं बड़ा बना रखा है, केवल आपको क्लियर समझ में आए इसलिए, अदरवाइज एक बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा एलिमेंट पॉइंट पी पर Q2 भी रखा है, ठीक है। तो ये हमारा लिखना अराउंड पॉइंट पी हैविंग मैग्नीट्यूड ds, जिसका मैग्नीट्यूड ds है, एंड वेक्टर ds इज द, वेक्टर ds इज द एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है पॉइंट पी पर के हैं, जो हमारा स्फेयर होता है, स्फेयर के बाहर की ओर जिसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ये हमने पढ़ लिया है, समझ में आ गया आपको, अब तो रट चुका होगा यू ds, इतना होगा, ठीक है। नाउ इसको मिटा लेते हैं, ये आपने लिख लिया है ना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम इसे मिटाने जा रहे हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। चलो फिर देखते हैं इस Q1 की वजह से, देखिए Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इससे दूर होगा, ऐसा होगा कुछ, है ना, ठीक है। लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर ds एंड वेक्टर E इज सेम, आर सेम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, देयरफोर द एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर E दैट इज θ = 0°, ठीक है। तो अब देखते हैं इस ds एलिमेंट से, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, केवल इतने से d5, ठीक है, कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस d5 होगा, कहाँ से पास हो रहा है, ds से पास होने वाले स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी d5 = E·vector ds अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ a·b cos θ, सो वेक्टर e·vector ds इज eds cos θ, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, दैट इज 0°, cos 0°, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डी जीरो कॉस 0° इज 1, एंड वी गेट eds, ठीक है, इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्मॉल अमाउंट है जो कहां से पास हो रहा है, केवल इतने एरिया से। बट वी हैव टू फाइंड इस पूरी सरफेस, ये गॉसियन सरफेस जो है पूरी आर रेडियस का जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इससे कितना पास होगा, इट विल बी 5। और वो हमारा किससे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करके निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे जल्दी, इतना करने के बाद इतना कर लो, पहले जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, नाउ टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, कहां से पास होने वाला, थ्रू गॉसियन सरफेस। कौन है गॉसियन सरफेस, हमारी एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, गॉसियन सरफेस दैट इज फाई। और ये फाई किस निकलेगा, छोटे छोटे डी फाई को हमने ऐड कर देना है, हमने इंटीग्रेट कर देना है डी फाई को किसके अलावा, पूरी गॉसियन सरफेस के अलावा, एस जी लिखे हमने। ठीक है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ईडीएस डी फाई की हमने वैल्यू रखनी है, वैक्टर ई डी एस है, ई डी एस डॉट में लगेगा, सीधे सीधे ई डी एस, क्योंकि हमने वो वैल्यू वहीं पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, ई हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास डी एस। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस ओ आर ई एम, गॉस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिखना आप इसको, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू गॉसियन सरफेस, पूरा ये लिखना है, एंड दैट विल बी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इतना होता है। कौन सा क्यू, जो हमारा इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड कौन है, क्यू टू की क्यू वन, क्यू वन इनक्लोज्ड है, क्यू वन इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पर हमने लिखना है क्यू वन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन टू डाल दी हमने, इससे पहले वाली फर्स्ट थी, दिस इज सेकेंड, लिखना सब्स्टिट्यूटिंग इट मीन्स ये गॉस थ्योरम इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट फाइव की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डी एस। जल्दी से वैल्यू पुट करो, इतना करके यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लो, पॉज करके वीडियो, हम इसको मिटा देते हैं, इसको उतारा, ये हो गया हमारे पास क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी एस किसके अलॉन्ग गॉसियन सरफेस। ये किसका एरिया है, इट इज द टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घूम रहा दिमाग में, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, स्फीयर का होता है हमारे पास कितना, 4πr रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितनी है स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r है स्फीयर की रेडियस। आई बात समझ में, अब क्या करना है हमने, क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस 4πr स्क्वायर को आपने यहाँ भेजना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहीं पर रखिए, ई को यहीं पर रखना, ये हो जाएगा क्यू वन अपॉन 4πr, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाएगा r स्क्वायर। एक थोड़ा जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, कोई टेंशन नहीं, कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है, अच्छा भी लगेगा ना, ई को इधर ले आइए, इसको इधर ले आना, पता लग रहा है इसको इधर ले जाते समय आपने माइनस कर दिया, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब दोनों चेंज होते हैं इधर उधर तब माइनस साइन नहीं लगता है, या आपको आपका बेस इतना क्लियर है आई वो, क्योंकि आप क्लास ट्वेल्थ में गए हैं, क्योंकि ऐसे तो आप आए नहीं होंगे ट्वेल्थ में, है ना, कि आपको ऐसे पास कर दिया इलेवेंथ से टेंथ से और साइंस साइड में होगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना हो गया क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू वन का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फील्ड होता है जिस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज रखा हो, जिसका इलेक्ट्रिक, ध्यान सुनिए इस बात को, जो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि क्यू वन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू वन, तो और जिस पॉइंट पर है, मान लेते इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर अगर कोई बाहर से एक चार्ज रख दिया जाए, क्यू टू रखा है जैसे, या क्यू नॉट रखा है, टेस्ट चार्ज कंसिडर किया जा रहा है, जैसे क्यू टू रखा है, तो उस पर
इसकी वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द कूलम्स फोर्स विच वी हैव टू ड्राइव, उसको हमें उसको ड्राइव करना है, ठीक है। वो इक्वेशन वन में देख के आओ जल्दी से, जो कि इक्वेशन टू, और इक्वेशन वन क्या थी इतना पहले नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो पहले। इक्वेशन फर्स्ट लेकर आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या है, इक्वेशन तो फर्स्ट तो कहती है भाई एफ इक्वल टू क्यू वन इंटू ई, क्यू वन इंटू ई, क्यू टू इंटू ई, इक्वेशन फर्स्ट कहती थी हमारी क्यू टू ई, यस। अब क्या करना है, ई की वैल्यू यहाँ से टू से पुट कर दो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड टू लगानी है तो फर्स्ट तो ये हो गया, टू को हमने क्या करना है यहाँ पर रख देना है, टू है हमारी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन की जगह हमने रख दिया क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू हो गई पूरी, ये वैल्यू है ई की, तो बढ़िया करके रख लेता है, इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन हमेशा बाहर होता है, उसको बाहर ही, ये क्यू वन और क्यू टू, क्यू टू को बाहर ले गए अंदर, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एफ इक्वल टू, क्या दिख रहा है, इट इज द कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू आर मीटर अपार्ट, जो जिनके बीच डिस्टेंस कितनी है आर मीटर है, तो लिखना इट प्रूव्स द कूलम्स लॉ, द कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमने क्या ऑब्जर्व कर दिया है, हेंस प्रूव, तो ये है हमारा कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन, हमारा लास्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, कूलम्स लॉ हमने ड्राइव कर लिया है। इसी के साथ ही लेक्चर कंप्लीट करता है, लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं क्या करूँगी, एक दो न्यूमेरिकल्स, दो या तीन न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर ये एप्लीकेशंस किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन शीट, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, और ड्यू टू ये वाला कुछ, हाँ गॉस थ्योरम पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।